राजकुंद्रा राजकांड्र की बात सहित चैट से खुलासा होता है कि वह 121 पोर्न वीडियो $1.2 मिलियन में बेचने की डील कर रहे थे। ये बात मुंबई पुलिस की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में कही गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति मंगलवार 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। न्यूज एजेंसी आने के अनुसार मुंबई पुलिस ने कहा, व्हाट्सएप चैट्स में पाया गया है कि राजकुंद्रा 121 पोर्न वीडियो $1.2 मिलियन में बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। ये डील इंटरनेशनल स्तर की प्रतीत होती है। पुलिस ने कोर्ट से ये भी कहा कि उसे अंदेशा है कि पोर्नोग्राफी से अर्जित की गई धनराशि का इस्तेमाल ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी में किया गया था। इसी कारण राज के यस बैंक अकाउंट और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के अकाउंट की जाँच की जानी चाहिए। मुंबई पुलिस की टीम आज राजकुंद्रा को लेकर उनके घर पहुंची और उनके घर की तलाशी ली। जांच अधिकारी ने अदालत में दलील की कि गूगल आईस और अन्य ने अपने एप्लेट फॉर्म से हॉट शॉट्स को हटा दिया था, इसलिए आरोपी ने अपने प्लान बी को सक्रिय किया और एप बॉली फेम लॉन्च किया। आरोपी का लैपटॉप भी जब्त किया गया है, जिसमें 35 हॉट शॉट क्लिप सहित 51 क्लिप थे। अधिकारी ने कहा कि हम हॉट शॉट्स के लिए बनाए गए रायन के 4 ईमेल खातों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। हमने उनकी कंपनी के ऑडिटर और आईटी डेवलपर का बयान दर्ज किया है और उन्होंने हमें बताया है कि उनके कार्यालय का मासिक खर्च 4,000 से 10,000 पाउंड था। पुलिस को संदेह है कि पोर्नोग्राफी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए किया गया था और यही कारण है कि यस बैंक खाते और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका खाते के बीच लेन देन की जाँच की जानी है। हमारे चैनल फ्यूचर तक को अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो एक लाइक